शरीक
ही है, आप मुतसल है, आपके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई शरीयत है जो शरीयत मुहम्मदिया है। इसके बाद जो कोई भी नबूवत का इस तरह का लोग दर्जाए जो झूठा है, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है, वो काफ़िर है। ये जो कुरान पाक का पर्दा है ये आखिरी किताब है, ये जो आपकी उम्मत है ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई सिलसिला नहीं। क़यामत है, क़यामत के बाद जज़ा व सज़ा है। फरमाया आज का दिन ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का दिन है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो वही के जरिए जो ख्वाब के जरिए आप पर नाज़िल हुआ, आपने अपना बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करके ये समझा दिया कि लोगों हमारा हमारा जिसम हमारी मर्जी नहीं बल्कि उसका है, मर्जी भी उसकी है। हमारे पास क्या चीज है, हमारा तो कुछ भी नहीं। लिखा है माफ समावात व माफ कर जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब अल्लाह का है। जो लोग नकाब करने को नापसंद करते थे आज भी नकाब करके चल रहे हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो जब चाहे इंसान को मलिया मेल करते बड़ी बड़ी बहादुरों में यानी मान सुबूत वाकया पड़े वो पत्थर को खुरच कर अपने घर बना दिया करते थे, इतने मजबूत लोग थे। लेकिन जब ऊपर अजाब आया अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला की राह में बगावत की, अल्लाह ताला फरमाते तो बगावत करने वालों को पसंद नहीं करता। हाँ मैं पसंद करता हूँ कि इधर अल्लाह आए तो नहीं, अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है, जो उसकी बारगाह में झुक जाता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनकी कुर्बानी पेश की, बताया कि लोगों अपनी कोई चीज नहीं सब अल्लाह की, अपने ख्वाहिश अपने इरादे कुल इतना सलाती व रुसुकी व महदाया व ममातु लिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों ये कहो ऐ महबूब की फरमा दो बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी जिंदगी मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। जब वो नबी जिसको अल्लाह पाक ने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है वो फरमा रहे हैं कि मेरी तो मर्जी नहीं, मेरा तो सब कुछ अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजूर अलैहिस्सलाम की हजरत मुकद्दस आते और ऐ अहले बैत रहा और सहाबे इकराम की हजरत मुकद्दस आते हमें यही बताया है कि अल्लाह के अहकामात पर मार मिटना ही बंदगी है। ये जो कुर्बानी करते हैं ये गोश्त तो हमने खाना है लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं नहीं ना अल्लाह और हु ना वला दिमाग वला नीता यलालो तक मानित हो कि लोगों अल्लाह को गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह को खून नहीं पहुंचता, हमारे दिलों का जो तकवा है वो खुदा को पहुंचता। इसलिए सदीत के साथ कुर्बानी करें कि या अल्लाह मेरी कोई ख्वाहिश मेरा कोई इरादा नहीं मेरी कोई तमन्ना नहीं, जिस तरह मैं इस जानवर को ज़िबह कर रहा हूँ अगर वक्त पड़ा तो मैं अपनी हर चीज को तेरी राह में ज़िबह कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। फरमा कि कुर्बानी ईद का दिन इसीलिए बना है, ईद का दिन इसीलिए बना है अल्लाह ताला उस दिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की अल्लाह ताला उस दिन को खुशी का दिन बना है, आप राजी हो गए। तो जो हम बोल रहे नमाज नफल पढ़ते नमाज ईद पढ़ते ये भी शुक्राना है। तो फरमाया कि ऐ महबूब आज का दिन आप पर दीन मुकम्मल हो गया, इसके बाद कोई दीन नहीं, आपके पास कोई नबी रसूल नहीं, इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा है जो हजरत बिला वो इरशाद फरमाया अरफात के मैदान में मुज़दलिफा के मैदान में उसके थोड़ा थोड़ा इक्तबास तमाम 10 मिनट में वो आपके सामने रखता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह पूरी इंसानियत को क्या दर्श दिया, क्या दर्श दिया। मैं तो बड़ा हैरान था कि हमारी औरतें बड़ी बात करती हैं कि हमारे दीन ने जो है इस्लाम ने हमारे साथ पता पता नहीं कौन सी ज्यादा कर दी है, पता नहीं बेलबास होने को हमारी औरतें आजादी समझती, इस्लाम ने औरत को लिबास दिया उसे पाकीज़गी का हाल दिया। आपने खाना काबा का तवाफ देखा, खाना काबा के करीब औरतें तो गिरता गिरता एक दूसरी तरफ पर ये इस्लाम का एक हुसन है मजाज है, किसी इबादत को आप देख लो ऐसी चीज नहीं।
औरतें हाला का बच्चे गरीब चक्कर लगा रही और फिर उनके दूसरी तरफ जो है वो भी करके मर्द है गोया कि इस्लाम ने औरत को तहफ्फुज़ दिया है और उसको फकीर दे दी है अपने घर के करीब अल्लाह पाक ने औरत को फरमाया है कभी इस चीज को भी समझा करो सारी इज्जत तो अल्लाह पाक ने जो है वो मर्द को भी दी है औरत को भी दी है इस चीज का ख्याल रखा गया तो हजरत विदा का मौका पर तो खुतबा इरशाद फरमाने से चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे सहाबा इकराम मुझे बताओ आज कौन सा दिन है। सहाबा चुप हो गए आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे लेकिन नबी ने जब पूछा तो सहाबा चुप हो फरमाया आज कौन ये कौन सा महीना है। सहाबा चुप हो सबको पता जिल हज का महीना है फरमाया ये कौन सा दिन है ये कौन सा शहर है सबको पता शहर मक्का है लेकिन सारे चुप हैं। फिर हजूर ने खुद फरमाया हजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें क्यों नहीं पता दीन मुकम्मल हो गया तुम्हें ये नहीं पता है महीना कौन सा कि शहर कौन सा है कि दिन कौन सा है तुम्हें पता था कि ये जो सवाल किया जा रहा है हो सकता है कि हजूर शहर का नाम बदल दे महीने का नाम बदल दे दिन का नाम बदल दे या सुना आप जानते हैं जो महीना कौन सा आप जानते हैं दिन कौन सा आप जानते हैं ये शहर कौन सा है आपको फरमाया मेरे साहब ये शहर मक्का नहीं ये ज़िलहज का महीना नहीं आज यौमे अरफा नहीं आज या रसूल अल्लाह भी फरमाया या रसूल अल्लाह आपने फरमाया लोगो सुनो जिस तरह ये शहर ये महीना ये दिन पकीज़ा है ताहिर है मुतहर है तो मैं इस तरह तुम्हारी जाने इज्जतें भी एक दूसरे के लिए ताहिर को मुतहर है हुर्मत वाली एक दूसरे की जान का ख्याल रखना एक दूसरे की मार का ख्याल रखना एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना इससे बढ़कर इंसानियत का और क्या दर्स है। इस्लाम में सबसे पहले दर्स दिया हमें एक दूसरे की इज्जत एहतराम उसी तरह ख्याल रखना जिस तरह ये शहर मक्का हुर्मत वाला है ये महीना हुर्मत वाला है। सुनो मैंने अल्लाह ने मुझे अमानत दी थी दीन इस्लाम की उसकी एक एक बात मैंने तुम्हें समझा दी तुम्हें पढ़ा दी है फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है इसके करीब भी न जाना फरमाया जो तुम पर ना किसी पर जुल्म करो ना किसी जालिम का साथ ये खुतबा चल रहा है सबसे पहले इंसानियत का दर्स फिर हजरत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आपने फरमाया कि ना हक खून कत्ल करना ये हराम और सबसे पहले अगर मेरे खानदान की तरफ से ऐसा हुआ है तो उसे मैं माफ करता फिर हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ लोगो शैतान आज के दिन के बाद मायूस हो गया है आज के दिन के बाद उसकी इबादत नहीं की जाएगी पहले होता था अल्लाह का बुत तो भी थे लोग शैतान को पूछते भी थे मुसलमान ईद को भी मानने वाले थे शैतान को भी पूछते फरमाया आज के बाद दीन मुकम्मल कोई मुसलमान शैतान की परस्तिश नहीं कर सकता खाना काबा पाक हो गया शैतान इस चीज से मायूस हो गया है कोई कलमा दो मेरे सामने सजदा करेगा गुनाहगार से गुनाहगार भी मुसलमान होगा तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है सजदा करेगा उसी को करेगा फरमाया हाँ मुझे लगता है कि शैतान तुमसे छोटे छोटे गुनाह कर रहेगा कभी झूठ कभी बेईमानी कभी दीगर छोटे छोटे लिबास गुनाहों के जरिए तुम्हें अल्लाह से दूर कर देगा खबरदार उसके वसवसों में ना ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ लोगो अल्लाह ताला से डरते रहो तकुल का अल्लाह ताला से डरते रहा करो तो मैं तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ तुम्हें औरतों के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ फरमाया क्योंकि वो तुम्हारी जेर निगरानी है जेर दस्त है दस्त है फरमाया खाम आम को रोक न जाड़ो सियाती न करो जुल्म न करो मैं उनके बारे में तुम्हें नरमी का हुक्म देता हूँ और प्यार का हुक्म देता हूँ क्योंकि उनके पास अपना अख्तियार नहीं होता वो सब कुछ छोड़ कर तुम्हारे पास आई उनका ख्याल रखो फरमाया ये तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है अल्लाह इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक उन्हें कुछ ना कहो जब तक वो खुली बेहयाई न करे उस वक्त तक उन्हें कुछ ना कहो फरमाया
फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो उन पर लाजम है कि उनके खाने पीने का उनके लिबास का इस्तेमाल करना। औरतों के मतलब बताया जा रहा ये हजूर फरमा रहे उनके गुर्दोनोश का उनके लिबास की गंदगी का तुम्हारे ऊपर लाजम है कि उनका इंतजाम करो। फरमाया ऐ लोगों मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि मेरे पास कोई नबी रसूल नहीं है, मेरे पास कोई नबी रसूल नहीं है तो मैंने तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। फिर रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं दो चीजें तुम पर छोड़ के जा रहा हूं, एक किताब अल्लाह दूसरी मेरी सुन्नत। सुभान और सुन्नत के मुताबिक एक लफ्ज और भी आया है तो मैं मेरे अहले बैत ने कहा सुभान यजमत इनकी शान को समझे रखा उनके साथ लो लगाए रखना तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह है हम मालिश भी पढ़ती है कि अपनी किताब अल्लाह को छोड़ दी कुरान पाक को रसम के लिए मैदान रख दिया है सिर्फ वजीफे के लिए रख दिया है कि शादी ब्याह का भी रख दिया है तुम्हें सिर्फ पढ़ो तुम्हारा रब तुमसे बातें कर रहा है तुम्हें क्या कह रहा है अब इसमें दोनों फिक्र किया करो। फरमाया कि कुरान पाक किताब अल्लाह आपका स्वरूप की खबर क्या है अल्लाह तआला की रस्सी को मजबूती से थामती है को तो फर्क ही ना करो बंदे को सही कुरान और हदीस का इल्म हो वो तो तफरके में पढ़ते ही कि तफरके तासुब उसी वक्त जन्म लेते हैं जब बंदे में ना इल्मी ना उसे कुरान का पता हो ना उसे हदीस का पता हो तब ये चीजें जन्म लेती हैं। अगर ये सही चीजें बंदा समझ जाए तो उसके जहन में तफरका आता ही नहीं। तो फरमाया इसको अपने सामने रखना कुरान पाक को मेरी सुन्नत को फिर रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों मेरी बात को गौर से सुनो कि मुसलमान मुसलमान का भाई है मुसलमान मुसलमान का भाई है ये जो हाजिर है ये जिंदगी हमें दर्ज देता कोई गैर मुस्लिम उसमें शामिल नहीं हो सकता हमारा ये दरस है मुसलमान एक यहूदों सारा एक है पूर्ण मिल्लत वाहिदा तुम भी एक हो जाओ। मुसलमानों को मार इसलिए पड़ती है कि तफरके के शिकार होते हैं ये बिखर जाते हैं। हुजूर ने कहा तुम भी एक हो जाओ। आज वो तो मुसलमान देखे एक मुल्क दूसरे मुल्क को काट रहा है एक हो जाए तुम फिर एक हो मुस्लिम भारत की पास पाने के लिए। तो फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है किसी आदमी के लिए ये जायज नहीं कि अपने भाई के माल को उसकी रजामंदी के बगैर खाए अगर वो खुश होकर दे रहा है तो दे वरना किसी भाई के लिए जायज नहीं कि वो अपने किसी भाई का किसी बहन का वो नाहक हिस्सा खा ले। इसके बारे में उसे पूछगिछ हो सवाल किया जाएगा किसी बहन भाई का हिस्सा ना खाओ जो किसी का बनता है उसको दो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा इकराम अपने दिल में हसद ना रखो अपने दिल में बोझ ना रखो अपने दिल में अनाप ना रखो यही है ना ये मोहब्बत के लिए गले मिलते हैं हाथ मिलाते हैं एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं खुशी का इजहार करते हैं ताकि वो जो तफरके और बेइत्तेफाकी है वो दूर हो जाए। इस चीज के लिए दिन आया है हज भी इसीलिए है कि सारे मुसलमान कोई अरबी बोल रहा है कोई इंग्लिश बोल रहा है कोई फारसी बोल रहा है लेकिन क्या है अल्लाह को अल्लाह है सारे एक लिबास में एक कैफियत में होते हैं। फरमाया बोझ तनाव हसद न रखो ये ईमान को खा जाते हैं। वरना कोई भी अमल करो अल्लाह की रजा के लिए कोई भी अमल करो अल्लाह की रजा के लिए। दो बातें बयान करनी है क्योंकि खुतबा काफी तवील है इसको आप बड़ा करें मोहम्मद कलम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला हमारे शेख उन्होंने ये किताब ज़ियाउद्दीन शरीफ सीरत की किताब लिखी है उन्हें पढ़े और तफसीर कुरान पाक की पढ़ा करें ताकि आपका कल्ब रोशन हो जाए। बड़े प्यार खुतबे में हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई उससे पहले एक और आपने फरमाया किसी दौरे को किसी काले पर किसी काले को किसी दौरे पर किसी अरबी को किसी अजमी पर किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। अगर मुसलमानों ने तो काला है या गोरे कोई फजीलत नहीं ला भी तकवा हाँ अगर तकवा का मेरिट ज्यादा है तो तकवा की वजह से फजीलत होती है कि वो आला है तो उसमें तकवा ज्यादा है उसकी फजीलत ज्यादा है। अबू जहल बड़ा खूबसूरत था रंग बड़ा खूबसूरत था लेकिन अल्लाह के हम मर्दूद था क्योंकि उसमें वो चीज नहीं थी
और हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रंग में काले भी थे और बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन हजरत अली ने फरमाते थे ऐ सैयदना बिलाल, वाह 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 सुभान अल्लाह, हुजूर पर फख्र करते थे। फरमाया कि इस्लाम की जो फजीलत है ये किसी लिबास या दौलत की वजह से नहीं है, तकवा और तहारत की वजह से। जितना अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह के रसूल के करीब हो जाओगे, उतना तुम्हें मुकाम अल्लाह पाक दे देंगे। फजीलत वही जो अल्लाह उसका रसूल अता करते हैं। एक और बात आपने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया ऐ लोगो, वो बंदा जिसकी तलब सिर्फ दुनिया होती है, जिसकी तलब सिर्फ दुनिया होती है, हजूर ने फरमाया उसे सिर्फ गुरबत मिलती है। हर चीज में दुनिया 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 मिल जाए, फरमाया से सिर्फ गुरबत मिलती है, और वही कुछ मिलता है जो तकदीर में होता है। फरमाया जिसकी तरफ आखिरत होती है तो अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है और उसका रोजगार ही उसके लिए काफी हो जाता है। मैंने देखा कई गरीब लोगों ने किया है, अल्लाह ने शुक्र कई करोड़पति होते किया है, कहीं बैठ गया है उसकी दुनिया कम हो जाती, सिर्फ अपने माल में से अपनी चीजों में अल्लाह की राह में खर्च किया है, अल्लाह ताला आपके दिल को गनी कर देगा, अल्लाह ताला आपको खुशहाली पैदा कर देगा। ये कुर्बानी का जानवर सारा अपने पास रखने के लिए नहीं, एक अपने पास रखने, एक अपने अजीज औकारों को नहीं हिस्सा, एक गरीब मसाकीन को देगी। अगर बड़ा ही काम करते हैं तो अपना थोड़ा रखने को भी गुनाह में तरफ तकसीम करें, आपको अल्लाह पाक की कुर्बानी की तौफीक को दे रखी, तो अल्लाह ताला हम सबका हाजिर नासिर होगा, अल्लाह ताला हमारी ईद को कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जो अहकामात जो आपने हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाए, अल्लाह ताला हम पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला बलाग व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नमाज ईद पढ़ते हैं, हमारी ईद पढ़ने का तरीका ऐसे आपको आना चाहिए लेकिन सुन्नत है बार बार बनाए, तो तकबीर तहरीमा होगी, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा से पहले तीन सारी तकबीरें होगी, सूरह फातिहा सूरह तकबीर वो सूरह के बाद दूसरी रकत में सूरह फातिहा फिर सूरह पढ़ेंगे, और रुकू की तकबीर से पहले तीन सारी तकबीरें होगी, उसके बाद आपने गलत दवा से करना है जब सलाम फिर अल्लाह अकबर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी इस बात को कबूल फरमाए।